अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम रिसर्च इनसाइट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स का और प्रिंट बुक्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं रिसर्च में और देख रहे हैं कि कौन सी किताबें बेहतर हैं स्पेसिफिकली बच्चों की लिटरेसी स्किल्स में और उनके अटेंशन स्पैन में और डिफरेंट किस्म की जो एबिलिटी हम एकेडमिक्स में डेवलप करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखना चाहते हैं बच्चों की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि बच्चों की जो विजुअल अटेंशन है वो डिजिटल ई बुक्स डिजिटल बुक्स में या ई बुक्स में बेहतर होती है प्रिंट बुक्स की निस्बत। बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखते हैं, उनकी जो नज़र है वो इधर उधर नहीं होती, उनका फोकस बहुत ही ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट भी होता है, क्यूरोसिटी भी होती है और हैरानी भी ज़्यादा होती है। लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते या अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते जैसे कि रिसर्चर्स हमारे पास मौजूद हैं कि ये क्या वजह है। डेफिनेटली ये इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चों की, चाहे ई बुक में है, प्रिंट बुक में है, ये पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकती है, बच्चों का लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल बुक की वजह से भी हो सकती है कि जब कभी उन्हें डिजिटल बुक मिले और कभी कभी मिले तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाती हो, या क्या वजूहत हैं कि उसके इंटरेक्टिव जो मीडिया है, मल्टी मीडिया एस्पेक्ट है, उसकी वजह से होती है। एक्चुअली इस वक्त जो स्टडीज़ मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है। कुछ स्टडीज़ हमें बताती हैं कि बच्चों के एज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी डिजिटल बुक्स के या प्रिंट बुक्स के ऊपर पसंद पे या उनकी अटेंशन पे या उनके फोकस पे, इसका बहुत असर है उनकी एज का। दूसरा, उनके एग्जैक्टिव फंक्शनिंग का। एग्जैक्टिव फंक्शनिंग बच्चों की डेफिनेटली मेमोरी से रिलेटेड होती हैं कि बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं या नहीं रहती और बच्चे उसको रिकॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एज को देखते हैं, एज से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टडीज़ हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एज का फैक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं। हमें 2017 की रिचर्ड कॉरिश की स्टडी मिलती है और वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक स्टडी की है जिसके अंदर उनके पास 3 साल से छोटे बच्चे थे और डेफिनेटली उनकी जो अटेंशन स्पेन था, एंगेजमेंट था, वो डिजिटल बुक से बेहतर था। मंजर की 2019 की एक स्टडी बताती है कि वो बच्चे जो टॉडलर्स थे यानी 2 साल 3 साल के थे, उनकी एंगेजमेंट ई बुक के साथ ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है उनकी ई बुक की नस्बत प्रिंट बुक्स के साथ एंगेजमेंट बेहतर होती चली जाती है। तो इससे एक चीज़ सामने आती है कि बच्चों की एज बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टिव फंक्शनिंग में ये चीज़ आ जाती है कि बच्चे कितनी अटेंशन दे सकते हैं। ज़ाहिर है आप जो चीज़ जितनी अटेंशन से देखेंगे वो चीज़ आपको उतनी देर तक याद रहेगी, बेहतर तरीके से याद रहेगी और आप उसे बेहतर तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। सो उनका कहना ये है कि डिजिटल बुक का डेफिनेटली कोई ना कोई ताल्लुक है और बच्चे जब डिजिटल बुक पे स्टोरीज़ देख रहे होते हैं तो वो ज़रा बेहतर तरीके से, कई स्टडीज़ बताती हैं कि उनको कहानियाँ याद भी रह जाती हैं, उनके नाम भी याद रह जाते हैं और वो रिकॉल भी कर लेते हैं, पर हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं जानते। कहाँ ई बुक्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो एट रिस्क हों, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हों या ऐसे घरानों से ताल्लुक़ रखते हों जहाँ पे किताबें ख़रीदना ज़रा मुश्किल है उनके वालदैन के लिए, और डेफिनेटली ई बुक के फॉर्म में उन्हें एक गैजेट मिल जाता है जिसमें ढेर सारी किताबें डाउनलोड हो सकती हैं और फ्री डाउनलोड हो सकती हैं और बड़े वॉल्यूम की हो सकती हैं, तो उनके एक्सेस में आ जाती हैं। जब हम बच्चों की डिजिटल बुक्स की बात करते हैं तो कुछ डिजिटल बुक ऐसी होती हैं जो एकेडमिक्स को सामने रखते हुए बच्चों के लिए बनाई गई होती हैं। मकसद उनका ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्कैफोल्डिंग यानी सपोर्टिंग एलिमेंट्स मौजूद हों जिससे बच्चों की जो है लर्निंग एबिलिटी और उनकी लिटरेसी स्किल बेहतर हो सकती हो। ये बुक्स बेनिफिट देती हैं सबसे ज़्यादा किसको, बाइलिंगुअल एजुकेशन में, उन बच्चों को जो रिलक्टेंट रीडर हैं, जिनको रीडिंग में मुश्किल पेश आती है, उनका इंटरेस्ट डिवेलप हो सकता है। वो बच्चे जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, और डेफिनेटली लो इनकम फैमिलीज़ के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं हैं जिनसे किताबें खरीद सके लेकिन उनके पास गैजेट हैं तो डेफिनेटली उनके बच्चों को भी रीडिंग में बेनिफिट होता है। वो बच्चे जो एट रिस्क होते हैं डिसेबिलिटी के, डिसएडवांटेज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, उनके लिए डिजिटल बुक्स जो हैं वो बहुत बेहतर रहती हैं। उसके अलावा वो बच्चे जो लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनके लिए ई बुक्स जो हैं वो ज़रा बेहतर रह जाती हैं, और वो बच्चे जिनकी लेटर कॉम्प्रिहेंशन के इशूज़ हैं, ई बुक्स जो स्पेसिफिकली एकेडमिक्स को सामने रख के डिज़ाइन की जाती हैं वो भी उनको स्केफोल्ड करती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं। ये भी देखने में आया है कि कुछ ई बुक्स ऐसी हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं एकेडमिक्स को सामने रखते हुए कि जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब वो हम ई बुक्स इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट्स और चाइल्ड जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सोशल इंटरेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं।